कैसे हो भाई लोग, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अब भाई अगर आपके पास भी कोई ऐसा म्यूज़िक है, ठीक है, ऐसा सॉन्ग है जिसको आप अपनी वीडियो में यूज़ करना चाहते हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि क्या इसकी कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है, ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, अगर मैं इसको वीडियो में यूज़ करूँ तो क्या मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि आपने कैसे चेक करना है कि किसी सॉन्ग पर उसके ऊपर कॉपीराइट पॉलिसी लगी हुई है या नहीं लगी हुई, तो मैं हूँ आपका होस्ट आरिस और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कैसे आपने चेक करना है किसी सॉन्ग के ऊपर कॉपीराइट की पॉलिसी लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड चैनल का ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइड पर जो है यहाँ पर डैशबोर्ड के यहाँ पर नीचे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो लास्ट पर आपको मिलेगा ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे एक नए टैब पर जो है वो ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें अभी ये निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैव अ डिफरेंट म्यूज़िक इन योर वीडियो, चेक इट्स कॉपीराइट पॉलिसी, सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जब ये नेक्स्ट पेज पर लेकर जाएगा, अब यहाँ पर वो सारे म्यूज़िक आएंगे जिनके ऊपर कॉपीराइट पॉलिसी लगी हुई है, ठीक है। ये जितने भी होंगे, ठीक है, बहुत सारे निकल आएंगे जैसे जैसे आप नीचे करते जाएंगे, ये सर्च करता जाएगा। तो यहाँ पर अब आपने कैसे चेक करना है कि आपके सॉन्ग की जो है जो आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर पॉलिसी जो लगी हुई है या नहीं लगी हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपकी फ़र्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उस सॉन्ग का नेम कन्फर्म पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेम नहीं अगर पता तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो पता होने चाहिए। जैसे कि अब मैं आतिफ असलम का कोई सॉन्ग जो है वो सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ मैं कीवर्ड जो है वो करेक्ट कीवर्ड जो है वो मैं यहाँ से निकालूँगा। जैसा कि अभी थोड़ा सा वेट करें, मेरा नेट काफ़ी स्लो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तेरा होने लगा हूँ, ठीक है, अब शायद आ जाए, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर इस कीवर्ड्स को जो है मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, सारे को, और लाकर यहाँ पर सर्च बार पर, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इंटर करूँगा। अभी थोड़ा सा वेट करें, ये रिज़ल्ट हमें फाइंड करके देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये देखें भाई, तेरा होने लगा हूँ रीमिक्स बाय डीजे शौकत, पता नहीं आई थिंक इस तरह का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर इसके नीचे दिस सॉन्ग इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ इन योर वीडियो यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है। इफ़ यू यूज़ दिस सॉन्ग योर वीडियो मे बी ब्लॉक्ड और म्यूटेड, ठीक है, मतलब इस पर आपको स्ट्राइक भी आ सकता है। कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आपको जो है कॉपीराइट, जिस तरह के ये देखें, ठीक है, प्लेबैक है वर्ल्ड व्यूएबल वर्ल्ड वाइड, ठीक है, इसके बाद एडवर्टाइजिंग जो है एड्स कैन बी अपीयर, ठीक है, इस पर एड्स आ भी सकती हैं। कुछ म्यूज़िक ऐसे होंगे, ठीक है, जिसके ऊपर कंप्लीट डिटेल देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे जिस तरह के ये यहाँ पर, जैसे कि ये मैंने शो करवाया, ठीक है, दिस सॉन्ग इज़ नॉट अवेलेबल इन योर यूट्यूब वीडियोज़, ठीक है, ETC कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भाई आप अपने किसी भी म्यूज़िक को जो है इस ऑडियो लाइब्रेरी से चेक कर सकते हैं उसकी कॉपीराइट पॉलिसी, ठीक है। सिंपली जस्ट मैंने ये एक छोटी सी जो है ट्रिक बताई है। सो आई होप भाई आप इसको जो है यूज़ करेंगे, ठीक है, ये वर्क भी करती है, 100% वर्क करती हैं। तो उम्मीद है भाई कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट।